गढ़ाकोटा में राज्य स्तरीय लोकोत्सव 213वें रहस्य मेले का शुभारंभ हुआ। प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने दीप प्रज्वलित कर और फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। रहस्य मेले में पहले दिन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से आए लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ। वहीं मंत्री गोपाल भार्गव ने मेले से मंच से दिव्यांगों को ट्राई साइकिल वितरित किए। आपको बता दें, 5 दिन तक चलने वाले मेले में सभी प्रकार के व्यावसायिक गतिविधियों के साथ लोक कल्याण सहित लोक रंजन के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जो थोड़ी बहुत स्वास्थ्य की जानकारी भी रखेगा, चिकित्सा कैसी होना चाहिए इसके बारे में जानकारी रहेगा, प्राइमरी हेड जो है उसके बारे में जानकारी रहेगी, और एम्बुलेंस जो है उनका सारा खर्च, ड्राइवर का, डीजल इत्यादि का, ये सारा खर्च मैं ही उठाऊंगा। और व्यवस्था एक तो शासकीय भी रहेगी और दूसरा ये हमारी व्यवस्था भी रहेगी। तो फिर मुझे विश्वास है कि कोई भी आदमी ऐसा नहीं रहेगा जिसको समय पे इलाज नहीं मिल सके, और जो बड़ी बीमारियां होंगी उनके इलाज के लिए मैं अपनी एम्बुलेंस से कोई एक हम दिन निश्चित कर देंगे, तो उसके लिए भोपाल बुला के या फिर जहाँ भोपाल के डॉक्टर बताएंगे बम्बई या दिल्ली, तो वहाँ पर हम भेजने का काम करेंगे। खबर छतरपुर के नौगांव से, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान बेटियों की सुरक्षा और उनकी शिक्षा दीक्षा समेत लाडली लक्ष्मी योजना की भी जानकारी दी गई। इस दौरान महिला एवं बाल विकास परियोजना की सुपरवाइजर दीप्ति रावत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की मेहनत को जमकर सराहा, क्योंकि उन्होंने क्षेत्र में बेटा और बेटी में फर्क लेकर फैली भ्रांतियों के बारे में जागरूकता लाने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिल्कुल, हम लोगों के द्वारा लाडली लक्ष्मी का जो आवेदन होता है वो भी भरा गया है इस बालिका का, और जो भी शासन की योजनाएं हैं उनका सारा लाभ उन लोगों को दिया जा रहा है।